तो एक गुड न्यूज आप लोगों को सुना देता हूँ। अगर आप लोग सरकारी बाइक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा आप वाहन खरीद सकते हैं। कौन कौन सा वाहन खरीद सकते हैं मालूम है? बाइक खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, पिकअप खरीद सकते हैं, इसके बाद ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, बहुत सारे गाड़ी जो है आप खरीद सकते हैं। हर एक प्रकार के लगभग गाड़ी आप बिहार सरकार से खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा गाड़ी खरीदना है और कहाँ पे खरीदना है। तो देखिए, ये अभी किसी भी ज़िले का नोटिस नहीं आया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी नियरेस्ट थाना होगा, नियरेस्ट थाना होगा वहाँ पे जाकर के भी आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके ज़िले में मध्य निषेध कार्यालय होगा एक, वहाँ पे जाइएगा और पूछिएगा कि सर हमें नीलामी वाली गाड़ी खरीदना है। ठीक है ना, नीलामी वाली गाड़ी खरीदना है। तो वहाँ पे आपको अगर नीलामी हो रही होगी तो तुरंत आपको फॉर्म दे देंगे, अगर नहीं होगी तो आपको बता देंगे कि हाँ अगले महीने में नीलामी होने वाली है, तो आप अगले महीने आइएगा और आकर के पता कर लीजिएगा। तो वहाँ से एक फॉर्म ले लीजिएगा और वहीं पे आपको भर के जमा कर देना है मध्य निषेध ऑफिस में। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, उस नोटिस में जो गाड़ी का नाम, सारा गाड़ी का नाम दिया रहेगा, कौन सा गाड़ी है, कौन से थाने में रखा गया है, कितना प्राइस रखा है गाड़ी का सरकार, वो सारा चीज़ जो है आपको उस नोटिस में दिया रहेगा। तो आपको जो भी आपका ज़िला होगा ना, उस ज़िले के जितने भी थाने होंगे सभी थाने का नाम नोटिस में दिया रहेगा, स्टेप बाय स्टेप गाड़ी का नाम, मॉडल नंबर, ठीक है ना, गाड़ी का प्राइस दिया रहेगा। इसके बाद ये भी दिया रहेगा कि ये गाड़ी जो है किस कांड में जब्त किया गया है, उसका FIR नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी किस कांड में जब्त किया गया है, वो भी उस पर दिया रहा है, दिया रहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग एक बार जाइए पता कर लीजिए कि कब आपके ज़िले में नीलामी होने वाली है, और नोटिस जैसे ही जारी होगी ना तो आपको मालूम चल जाएगा, खाली आप पता कर लीजिएगा मध्य निषेध ऑफिस में जा करके। ठीक है ना दोस्तों, और एक बात आपको और बता देता हूँ कि आपके ज़िले में जितने भी थाने होंगे, हर एक थाने में कुछ ना कुछ गाड़ियाँ, किसी में 20 गाड़ी, किसी में 50 गाड़ी, किसी थाने में 100 गाड़ी, ऐसे करके होती हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार थाने में जाइएगा और ये भी कह दीजिएगा कि सर मुझे नीलामी की गाड़ी खरीदना है, कैसा गाड़ी है आप मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो किसी भी पुलिसकर्मी से पूछिएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप हर रोज़ की नीलामी की अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।